ओके तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, कल जो है ना हम लोग ऑक्टाहेड्रल देख चुके थे कि क्या होता है, किस तरीके से स्प्लिटिंग होता है, पेयरिंग कब होगा, आखिर पेयरिंग होने का रीजन क्या है। ठीक है, ऊपर से क्या बोलते हैं, पेयरिंग कब नहीं होता है, ठीक है, उसका रीजन क्या है, तो ये सारा कुछ हम लोग देख चुके थे। पेयरिंग एनर्जी क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग फील्ड एनर्जी क्या होगा, ये सारा कुछ हम लोग जो है वो देख चुके थे। ठीक है, और इसमें काफी इंपॉर्टेंट चीज भी समझ में आया था, ये किस तरीके से वर्क कर रहा है। सबसे पहले तो आज जो है हम लोग स्क्वायर प्लेनर वाला देखेंगे, ठीक है, कल ऑक्टाहेड्रल पूरा। इसमें कोई डाउट है क्या, किस तरीके से ये WFL के साथ कैसे हो रहा है, SFL के साथ कैसे हो रहा है, हाइब्रिडाइजेशन हो गया, ठीक है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो गए, इस तरीके से इसमें मतलब किसी सर तरह। एक मिनट ना सर, वो मतलब स्ट्रक्चर बनाते हैं ना, तो डॉटेड लाइन और सॉलिड लाइन का, हाँ, हाँ मतलब वो कैसे करते हैं, एक बार फिर बताओ आप। अच्छा, वो तो कल हम लोग पढ़े थे ना शायद। प्राइमरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी, ये तो हमको लगता है पहले होगा, इससे भी पहले होगा, जब पुराना PDF होगा ना उसमें होगा ये। ठीक है, वो वाला जो है ना, देखो कैसे होता है, बता देता हूँ। देखो जैसे कि यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ आ जाए आपका ये, ठीक है, Fe, ठीक है, ये आ जाए आपका CN का होल 6, ठीक है, या CN होल मान लेते हैं हम, ठीक CN आ जाए होल 3, ठीक है, Cl2, Cl3, ये ऐसा आ जाए, ठीक है, ये कंप्लीट ऐसा आ जाए। तो ये क्या इससे समझ में आ रहा है यहाँ पे कि कंप्लीट जो है वो Cl कहाँ है, अंदर है। अब Cl अंदर है तो आयोनाइज नहीं हो सकता है, ठीक है, यानी कि ये किस में, कॉम्प्लेक्स वाले में, ठीक, और ये अपना कोऑर्डिनेट, ये जो अपना बॉन्ड है वो क्या कर रहा है, कोऑर्डिनेट कर रहा है इसके साथ, ठीक है, आ रहा बात समझ में, ये कंप्लीट, ये इसको कर रहा है, ये अपना तीनों जो है इसको कर रहा है, तब यहाँ पे जो बनेगा इसका क्या बनेगा, सबका सब आपका सॉलिड लाइन बनता हुआ नजर आएगा। लेकिन Fe ऐसा यदि आ जाए, जैसे कि हम लोग NH3 वाला पढ़े थे ना, COCl3NH3 वाला, ये एग्जाम्पल था, कोबाल्ट का, ठीक है, CONH3 का होल 5, ठीक है, होल 6 कर देते हैं यहाँ पे, और ये आ जाएगा आपका Cl3, एक ये था, उसके बाद क्या हो गया, एक बाहर निकल जाता है, तो CONH3 का होल 5, और ये Cl अंदर एक, और ये बाहर हो जाएगा Cl2, ठीक है। तो इसमें ये तीन बाहर हैं, तो तीनों का तीनों किससे जाएगा, डॉटेड लाइन से जाएगा, अपना नोट्स देखेंगे ये कैसा नजर आएगा, तीनों Cl जो है वो डॉटेड लाइन से दिखाया हुआ है, यानी कि प्राइमरी वैलेंसी, ठीक है, प्राइमरी वैलेंसी, और जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो, अच्छा, प्राइमरी वैलेंसी किस चीज को आपको बताता है, रिप्रेजेंट करता है कई बार, मतलब कि ये जो ऑक्सीडेशन नंबर रहता है आपका सेंट्रल मेटल एटम उसको, क्योंकि ये बाहर निकलेगा, तो बाहर निकलेगा तो यहाँ क्या आएगा, 3+ आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा आपका, 3Cl-, ये जो प्लस आएगा, अब ये क्या है, न्यूट्रल, तो न्यूट्रल, तो ये क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा, तो ये बता रहा है। लेकिन जो सेकेंडरी वैलेंसी यानी कि जो अंदर वाला जो है आपका, वो क्या बताता है, आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 6, यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन पेयर जो है कोऑर्डिनेट किए गए हैं, तो कितने किए गए हैं, 6 किए गए, तो वो ये बताता है, और छेवो का छेवो जो है वो थिक लाइन से क्या रहेगा, आपका स्ट्रक्चर बना हुआ रहेगा, ठीक है, थिक लाइन से स्ट्रक्चर बना हुआ रहेगा, तो ये देखने को मिलेगा। उसके बाद यदि हम ये देखें, इस वाले में देखें, इस वाले में क्या मिलेगा कि दो बाहर रहे, ठीक है, तो ये दो Cl का डॉटेड डॉटेड आपको नजर आएगा, ठीक है, दो Cl का डॉटेड, और ये वाला Cl जो अंदर गया है डॉटेड वो भी रहेगा, लेकिन उसके साथ साथ एक थिक लाइन भी रहेगा, यानी कि थिक लाइन और डॉटेड दोनों रहेगा। कई बुक में केवल थिक लाइन दिया रहता है, लेकिन थिक के साथ डॉटेड भी आपको मिलेगा, तो ये हड़बड़ाना नहीं, ठीक है, और एक Cl और अंदर चला जाएगा तो केवल डॉटेड किस में मिलेगा, यहाँ पे डॉटेड दो में फिक्स है, और एक वाले में डॉटेड के साथ थिक लाइन भी देना है, लेकिन कभी कभी बुक में, किसी किसी बुक में केवल क्या दे देता है, थिक लाइन ही देगा अंदर में, ठीक है। अब मान लेते हैं अगला क्या हो जाएगा, CONH3 का होल 3, और ये मान लेते हैं 3 हो गया, तो अंदर से तीनों Cl को बुलाना पड़ेगा, Cl3, ठीक
तो ये सब का सब फिर किस तरीके से नजर आएगा आपका, डॉटेड लाइन से, सॉरी डॉटेड लाइन से नहीं नजर आएगा, सबका सब थिक लाइन से रहेगा, और थिक लाइन के साथ हम इसमें डॉटेड लाइन भी दिखा सकते हैं, ये सब सीएल जो अंदर आ गए हैं उसमें। ये प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंस इस तरीके से, ये वाला जो है वो प्राइमरी में आ जाता है बाहर, क्योंकि हम लोग डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट वगैरह करते हैं, और ये जो रहता है वो किससे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, थिक लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। और कोच हेलो, हाँ और कुछ सर, एक दूसरा एग्जांपल और बताओ वापस। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे हम ले लेते हैं एफ ई, ठीक है, क्या लेते हैं एफ ई, ठीक है, सी एन का होल सिक्स, ठीक, और सी एन का होल सिक्स, एक तो ये हो गया पूरा, ठीक है, के फोर ये पूरा ले लेते हैं, एक तो ये पूरा हो गया, ठीक। अब दूसरा जो है हम इसमें ऐड कर देते हैं, मान लेते हैं सी एल आया, ठीक है, तो ये हम इसको ये ऐसे है, और ये मान लेते हैं बाहर में लिखा हुआ है सी एल थ्री, या फिर बी आर थ्री तुम ले लो, क्या दिक्कत है, कोई भी ले लो, उसमें क्या मतलब है। तो ये हो गया, उसके बाद हम तो ये कैसे टूटेगा, ये इस तरीके से टूटेगा, और इस पे क्या आ जाएगा थ्री सी एल माइनस, और इस पे क्या आ जाएगा थ्री प्लस, तो थ्री प्लस, तो ये क्या रहेगा तुम्हारा, ये होता है एक का माइनस वन, ठीक है, यहाँ पे हम ऐसा करते हैं के फोर ले लेते हैं, ठीक है, ज़्यादा अच्छा रहेगा, या के थ्री ले लेते हैं, यहाँ लिख देते हैं के थ्री, के थ्री, तो ये क्या, ये टूट जाएगा इस तरीके से, कैसे थ्री के प्लस, और ये क्या आ जाएगा माइनस थ्री आ जाएगा यहाँ पे, अब माइनस थ्री आया तो सी एन का क्या होता है माइनस वन, छः सी एन है, तो इसके लिए निकालेंगे तो क्या लिखेंगे एक्स, एक्स इसको मानेंगे, ठीक है, और उसके बाद फिर क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है, प्लस करते हैं, और ये इसका साइन कितना है माइनस वन इंटू टोटल कितने हैं सिक्स, ठीक है, और प्लस फिर कितना, और इज इक्वल टू क्या आएगा ये माइनस थ्री, तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा प्लस थ्री, तो ये कितना आ जा रहा है इसका प्लस थ्री, तो ये बेसिकली है। अच्छा, तो ये किसके कारण आया, ये वाला, यही बताया ना कि यहाँ पे प्लस माइनस थ्री आएगा, और माइनस थ्री से इसका फिर क्या आ जाएगा प्लस थ्री आ जाएगा, तो ये बेसिकली ये जो के जो रहेगा के थ्री, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे डॉटेड लाइन से, ये तो एफ पी, ये रहेगा सी एन, ठीक है, ये रहेगा सी एन, यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है, यहाँ भी रहेगा सी एन, यहाँ भी रहेगा सी एन, यहाँ भी रहेगा सी एन, और यहाँ भी रहेगा सी एन, लेकिन ये डॉटेड 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 क्या हो जाएगा तुम्हारा के, ठीक है, यहाँ भी हो जाएगा के, और एक चाहे तो यहाँ से डॉटेड डॉटेड लिख सकते हैं इस तरीके से, ठीक है, हाँ ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक अपना हो गया था, हम लोग क्या देखने वाले थे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन स्क्वायर प्लेनर वाला, यही था ना अपना, ठीक है। तो अब देखो स्क्वायर प्लेनर जो हम लोग देखने वाले हैं, तो स्क्वायर प्लेनर का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, स्क्वायर प्लेनर का हाइब्रिडाइजेशन होता है DSP2, ठीक है। अब ये भी बता चुके हैं इसमें कौन कौन सा ऑर्बिटल जो है वो पार्टिसिपेट करता है, तो एस ऑर्बिटल करते हैं, पी एक्स करता है, पी वाई करता है, और अब एक्स और वाई कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, तो डी का कौन करेगा, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ये करते हैं, ठीक है, कौन कौन करेगा डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ये वाला आपका करता है डी का, ठीक है, ये आपको एकदम ध्यान नहीं रखना पड़ेगा, ये पूछता है और बताएं ये बड़ा आसान है, यदि डी का दो कर रहा है तो एक तो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ये फिक्स है, और दूसरा आपका डी ये आ जाता है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, तो इसका कैसे स्ट्रक्चर होगा, क्या होगा, ये देख, तो अब जैसे यहाँ पे जो नजर आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे ये नजर आ रहा है स्क्वायर प्लेनर का मतलब क्या, ये स्क्वायर इस तरीके से जो है वो बनेगा, ठीक है, और बीच में क्या रहेगा मेटल रहेगा, और ये चारों तरफ से क्या रहेंगे लिगेंड रहेगा,
ठीक है, यहाँ से यहाँ से यहाँ से और यहाँ से, तो ये यहाँ पे नजर भी आ रहा है, और ये एल वन एल टू एल थ्री एल फोर, और ये सबका जो एंगल रहेगा वो कितना का रहेगा, 90 डिग्री का रहेगा, ठीक। और यदि हम ये वाले को हम मान लेते हैं एक्स या वाई, इसको मान लेते हैं वाई एक्सिस, ठीक है, तो ये वाला जो है वो 90 डिग्री पे है, जाहिर सी बात है, तो हर एक का क्या रहेगा आपका अलग अलग एक्सिस पे रहेगा, हम कंसिडर कर सकते हैं। ये वाला किस पे आ जाएगा आपका, एक्स एक्स, एक एक्सिस एक्स एक्सिस पे, और दूसरा कौन सा हो जाएगा, वाई एक्सिस पे। और यदि हम बात करें दोनों एक प्लेन पे रहेंगे, और उस प्लेन को क्या कहेंगे, एक्स वाई प्लेन हम लोग कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ जो है, यहाँ ऑर्बिटल डायग्राम जो है वो थोड़ा सा अलग बनता है, एकदम ध्यान से देखना है इसको कैसे ये बन रहा है, ठीक है। तो देखें, पहले हम लोग क्या करते थे कि फाइव जो थे वो डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स रहते थे, और फाइव डीजेनरेटेड ऑर्बिटल, डीजेनरेटेड ऑर्बिटल का मतलब सिमिलर इनर्जी वाला ऑर्बिटल, ठीक है, डीजेनरेटेड ऑर्बिटल का मतलब क्या बताया है, सिमिलर इनर्जी वाला ऑर्बिटल। यहाँ देखेंगे ये आपका स्क्वायर प्लेनर वाला, ठीक है, ये क्या है, स्क्वायर प्लेनर प्लेनर वाला, तो क्या बोले, ये फाइव डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स है, ठीक है, इन एब्सेंस ऑफ लिगेंड, यानी कि एक तरह से यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई लिगेंड का यहाँ पे इंट्रैक्शन नहीं है, लिगेंड के इन्फ्लुएंस में नहीं है, तो अपना डीजेनरेटेड का मतलब सिमिलर एनर्जी वाला, वैसा ऑर्बिटल जो कि सिमिलर एनर्जी वाला है। अब क्या होगा यहाँ से, तो अब यहाँ पे ये सिमेट्रिकल फील्ड ऑफ लिगेंड के प्रेजेंस में आएंगे, मतलब अभी भी लिगेंड इनसे दूर ही, लेकिन हाँ इनको समझ में आने लगा कि लिगेंड अब इनके आसपास में आ रहा है, तो ये क्या हो जाता है, इसका एनर्जी लेवल क्या हो जाता है थोड़ा, ठीक। उसके बाद फिर क्या हो जाता है कि लिगेंड तो आएंगे, लिगेंड आते हैं तो पहले ही पता है कि रिपल्सन होगा, और रिपल्सन होगा तो जो भी आपका ऑर्बिटल ज़्यादा रिपल्सन फील करेगा वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर स्प्लिट होकर के, और जो कम रिपल्सन फील करेगा वो कहाँ जाएगा, नीचे। तो ठीक जिस तरीके से हम लोग किस में, कोऑर्डिनेशन नंबर सिक्स वाले में, यानी कि ऑक्टाहेड्रल में देख रहे थे, ये वाला ईजी कहाँ चला जा रहा था आपका, कहाँ जा रहा था, ये ऊपर, याद है, एक बार आपको फिर से दिखा देते हैं, दोनों में फिर डिफरेंस हमको बताने में आसान रहे, ठीक है। ये तो कहाँ चला गया था, ईजी चला गया था ऊपर, और टी टू जी कहाँ चला गया था, नीचे, ठीक है। ईजी में कौन कौन सा आ जाता है, दो ही रहते हैं, अच्छा कैसे याद रखेंगे, दो है कि तीन है, तो ईजी दो ही लेटर है ना, तो याद रखेंगे ऊपर दो जाएगा, और टी टू जी तीन लेटर आ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, तीन केवल नजर आएगा, बात समझ में आ रहा है। तो इसमें यदि देखेंगे तो इसमें थोड़ा चेंज नजर आएगा, क्या चेंज नजर आता है, ध्यान से देखेंगे क्या चेंज नजर आता है, तो यहाँ पे ऊपर तो ईजी गया है, ठीक है, ऊपर ईजी गया है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर, ठीक है, और टी टू जी यानी डी एक्स वाई डी वाई जेड और डी एक्स वाई। लेकिन खास बात यह है ना, खास बात यह है कि जो यहाँ पे लिगेंड जो आ रहा है, चीजों को समझेंगे कैसे स्प्लिट हो रहा है, जो लिगेंड जो आ रहा है वो एक्सिस पे आ रहा है, किस पे आ रहा है, एक्सिस पे। यहाँ पे आपको ध्यान में होगा, इसको स्ट्रक्चर को एक बार फिर से देखें, ये वाले को, तो यहाँ पे कौन कौन प्लेन पे लिगेंड है, एक्स पे और वाई पे, ध्यान में रखेंगे केवल लिगेंड किस पे है, तो लिगेंड है आपका, लिगेंड है किस पे, एक्स पे है, और साथ ही साथ आपका वाई पे, यानी एक्स और वाई पे ही आपको क्या देखने को मिलेगा, रिपल्सन देखने को मिलेगा, और कहीं रिपल्सन देखने को नहीं मिलेगा, केवल एक्स और वाई पे। तो यदि हम बात करें ये डी एस स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो ये एक्स वाई पे तो आ रहा है, यानी इसमें रिपल्सन देखने को मिलेगा, ठीक है। डी जेड स्क्वायर, यहाँ रिपल्सन देखने को नहीं मिलेगा, इज दैट क्लियर, समझ में आ रहा है, अच्छा। डी एक्स वाई एक्स आ रहा है, यानी यहाँ रिपल्सन देखने को मिलेगा। डी वाई जेड, जेड आ गया, यहाँ रिपल्सन नहीं मिलेगा। डी एक्स जेड, जेड आ गया, यहाँ रिपल्सन नहीं मिलेगा, यानी रिपल्सन कहाँ कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा और यहाँ मिलेगा। तो सबसे पहले जो स्प्लिट हुआ ये ऊपर गया और ये नीचे गया, ई जी और टी टू जी, लेकिन उसके बाद ये ई जी था ना वो फिर से स्प्लिट हुआ, क्यों, क्योंकि रिपल्सन केवल इसमें हो रहा है, इसमें नहीं हो रहा है, तो ये फिर से स्प्लिट हुआ और ये वाला पार्ट जो है वो ऊपर चला गया, ये ऑर्बिटल जिसमें आपका रिपल्सन हो रहा था, और जिसमें रिपल्सन नहीं हो रहा था वो ऑर्बिटल कहाँ गया, नीचे आ गया, ठीक। उसी प्रकार से फिर से टी टू जी वाला अगेन स्प्लिट करता है, और डी एक्स वाई वाला जो है वो स्प्लिट करके ऊपर जाता है, और डी वाई जेड और डी एक्स जेड जिसमें रिपल्सन नहीं था वो प्लेन पे, मतलब कि जिधर लिगेंड अवेलेबल है, यानी एक्स और वाई प्लेन पे, वो उस पर नहीं आता है, तो यहाँ पे रिपल्सन नहीं होता और ये सबसे कम हो जाता है। तो ये चीज यहाँ देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से स्प्लिटिंग जो है वो बहुत ज्यादा और बहुत, मतलब कि लार्ज अमाउंट में यहाँ एनर्जी का गैप और डिफरेंस देखने को
मिल रहा है। तो थोड़ा सा और इस पे हम लोग ध्यान से देखेंगे यहाँ पे, तो ये वाला जो है आपका, ये यहाँ से डी एक्स स्क्वायर माइनस डी एक्स वाई, इसके बीच के जो एनर्जी गैप को हम लोग क्या बोल रहे हैं, डेल वन, क्या बोलेंगे, डेल वन, और ये दोनों के बीच का एनर्जी का डिफरेंस डेल टू, और इन दोनों के बीच का एनर्जी का डिफरेंस डेल थ्री, और ये वाला क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा स्प्लिटिंग जो हो जाएगा डेल एस पी, डेल एस पी क्यों, डेल्टा फॉर चेंज, ठीक है, और एस पी का मतलब क्या हो जाएगा, स्क्वायर प्लेनर, और इससे पहले हम लोग क्या ले रहे थे, डेल ओ, यानी कि ऑक्टाहेड्रल के लिए ले रहे थे। तो सबसे ज्यादा एनर्जी जो आता है, ठीक है, सबसे ज्यादा, ये तो डायग्राम हम लोग बनाए हैं, तो ऊपर नीचे हो गया स्केल खींचते वक्त, लेकिन एक्सपेरिमेंटल जो अपने को यहाँ से देखने से क्या लग रहा, थ्री का सबसे ज्यादा आएगा डेल, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है, सबसे ज्यादा जो स्प्लिटिंग होता है वो होता है आपका डेल वन, यानी डेल वन सबसे ज्यादा रहेगा, देन आफ्टर डेल टू, देन आफ्टर डेल थ्री, यानी इसके और इसका जो स्प्लिटिंग होगा वो काफी लार्ज होगा और काफी ज्यादा ऊंचाई पे ये जाएगा स्प्लिट कर, समझ में आया। तो ये खेल है किसका, स्क्वायर प्लेनर का, और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार यही वाला आपसे पूछ रहा है क्योंकि बच्चों को ध्यान में ये, ठीक है। यदि हम और आगे जाते हैं, ठीक है, और आगे यदि हम जाते हैं, इसके बारे में कुछ पॉइंट्स यदि हम आपको डिस्कस करें तो देखेंगे जरा ध्यान से। हाँ, क्या बोले हम यहाँ पे कि पहले भी पता चुके हैं कि 4D हो या फिर 5D का कॉम्प्लेक्स हो, ठीक है, 4D का कॉम्प्लेक्स हो, पहले भी पता है 4D का कॉम्प्लेक्स हो या फिर 5D का कॉम्प्लेक्स हो, वो फॉर्म करता है स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। और ये जो छोटा छोटा चीज हम बताते हैं, शॉर्ट जो चीज बताते हैं, नोट्स बताते हैं, उसको ध्यान में रखेंगे तो बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। हम क्या बोले कि 4D वाला कॉम्प्लेक्स हो या 5D वाला, सॉरी 4D वाला हो मेटल या फिर 5D वाला हो कॉम्प्लेक्स, ये किस तरीके का फॉर्मेशन करता है, स्क्वायर प्लेनर ही करेगा, किसके साथ, किसी भी लिगेंड के साथ जो है स्क्वायर प्लेनर बनाएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर उसका क्या होना चाहिए, 4 कोऑर्डिनेशन नंबर है, स्क्वायर प्लेनर ही बनाएगा, ये फिक्स है, दिमाग में डाल के रखना है 4D और 5D। तो जैसे एग्जांपल की हम बात करें, जैसा कि 4D 5D में PD प्लस 2, PT प्लस 2, AG प्लस 3, AU प्लस 3, RH, ठीक है, प्लस IR प्लस, तो ये सारे के सारे उसी में आ जाते हैं। 3D की यदि हम बात करें, ये हम बात किए 4D और 5D की, 3D की बात करें तो 3D सीरीज में स्क्वायर प्लेनर बनता है और टेट्राहेड्रल दोनों बनता है, स्क्वायर प्लेनर भी बनेगा और टेट्राहेड्रल दोनों बनेगा। स्क्वायर प्लेनर जो बनता है वो DSP2 पता है और टेट्राहेड्रल SP3। एग्जांपल के तौर पे यदि हम बात करें NiCN का होल 4, तो ये आ जाएगा -4, उधर चला जाएगा +2, ये आ जाएगा +2 में, ठीक है, ये किसमें आ जाएगा +2, -4 है ना जी, तो ये चला जाएगा उधर, तो ये हो जाएगा +4, ये आ जाएगा आपका +2। Ni+2 SFL स्ट्रॉन्ग फिल लिगेंड है, तो क्या बनेगा, जाहिर सी बात है DSP2 पेयरिंग करवा देगा, ठीक है, DSP2, और ये क्या होगा, डाइमैग्नेटिक बनता है, और यहाँ WFL आएगा, नहीं होगा पेयरिंग, तो जिसके कारण क्या रहेगा, SP3, ठीक है, पैरामैग्नेटिक रहेगा, और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स क्या रहेगा, 2, ठीक है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स क्या रहेंगे, 2 रहेंगे। उसके बाद क्वेश्चन भी ऐसा पूछ सकता है थोड़ा सा आपसे, किस तरीके से, कि निकेल प्लस 2, ठीक है, निकेल प्लस 2 जो है इन प्रेजेंस ऑफ CN आयन, मतलब इन प्रेजेंस ऑफ CN आयन, इसका कॉन्फिगुरेशन, और कॉन्फिगुरेशन कैसा, Ni+2 का, मतलब कि DX2, मतलब कौन कौन से ऑर्बिटल बेसिकली पार्टिसिपेट कर रहा है, ये आपसे पूछना चाह रहा है। तो Ni+2 कॉन्फिगुरेशन इन प्रेजेंस ऑफ CN, CN के प्रेजेंस में, और CN क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के प्रेजेंस में इसका कैसा होगा, ये पूछ रहा है। तो Ni का Z बराबर कितना, 28, पूरा कॉन्फिगुरेशन यहाँ है। अब Ni+2, तो 2 इलेक्ट्रॉन ये तो फरार, बचेगा क्या, 4s क्या हो जाएगा, 0, 4p भी क्या रहेगा, 0, और 4d भी क्या रहेगा, 0, सबका सब खाली रहेगा, ठीक है। उसके बाद यदि हम आगे देखें यहाँ पे, ठीक है, आगे देखें तो यहाँ पे आपको क्या नजर आएगा कि इसमें कौन कौन सा पार्टिसिपेट कर रहा है, तो सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले जो 8 इलेक्ट्रॉन है इसमें टोटल, डी में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8, तो 8 इलेक्ट्रॉन किस किस ऑर्बिटल में रहेंगे, 5 ऑर्बिटल हो गए डी के, ठीक है, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर, लेकिन ये 8 इलेक्ट्रॉन जो है उसमें किस ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, ये ध्यान में रखना है। 5 ऑर्बिटल तो यहाँ हम लिख दिए, 1, 2, 3, 4, 5, तब 2 इलेक्ट्रॉन जो रहेगा वो रहेगा आपका डी एक्स वाई में, दो किस में रहेंगे जेड स्क्वायर में, दो किस में रहेंगे एक्स वाई में, और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में कितना रहेगा आपका, 0 इलेक्ट्रॉन रहेगा, एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा,
ये ध्यान में रखना, ये सब चीज थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है और काफी ज्यादा मतलब कि पूछा भी जाता है, ठीक है। यदि एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये सब चीज पूछता है, ऑर्बिटल, किस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ठीक है ऐसे तो जनरली हम लोग याद कर लेते हैं, हाँ भाई 3d8 है, 3d6 है, लेकिन उसमें भी तो पांच ऑर्बिटल है, तो पांच ऑर्बिटल में d(x)²-y² में कितने इलेक्ट्रॉन, तो लगता है हाँ भाई अब इसमें किसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ये थोड़ा सा परेशान कर सकता है। क्योंकि तो सारा कुछ किस कैसा खेला, एक्सियल खेला है, एक्सिस पे कितना है, नॉन एक्सियल पे कितने हैं, लिगेंड किधर से आ रहे हैं, कैसा स्ट्रक्चर हो रहा है, कैसा शेप हो रहा है, सब उसका खेल है। तो कहीं ना कहीं इसके बारे में डेप्थ जानकारी होना आपको जरूरी है। अब हम बात कर रहे हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, इसके बारे में बात कर रहे हैं, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर जो होता है वो समझने के लिए, हालांकि इसमें भी अपने को दोबारा आएगा ये पूरा स्ट्रक्चर जो अभी हम बताएंगे, ये पूरा आएगा आपको सॉलिड स्टेट। तो ये हम क्या कर रहे हैं, एक क्यूब बनाए, क्या बनाए हुए हैं, एक क्यूब, ये जैसे कि एक क्यूब बना रहे, ठीक है, यहाँ तो बना हुआ है लेकिन फिर भी ये क्यूब बना रहे, ठीक है। अब ये क्या है, ये कॉर्नर है, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ठीक है, डायगोनली देख रहे हैं, ये डायगोनली कैसे मैच कर रहा है, ठीक है। उसके बाद ये आ जाते हैं, ये वाला है, ठीक है, ये वाला, ये भी डायगोनली कर दिए, ठीक, और एकदम एक बीच में, ठीक है, एकदम ये बीच, ठीक है, ठीक। अब क्या हो रहा भाई, सबको एक दूसरे से लगाना है। अब ये मान लेते हैं कि ये क्या है L1, ये क्या है L2, ये क्या है L3, और ये क्या है L4, ऐसा। तो ये यहाँ से क्या होगा, यहाँ से ये इसको कोऑर्डिनेट करेगा, ये बीच वाला है, ठीक है, ये यहाँ से इसको कोऑर्डिनेट करेगा, ये यहाँ से किसको कोऑर्डिनेट करेगा, इसको कोऑर्डिनेट करेगा, और ये यहाँ से किसको कोऑर्डिनेट करेगा, इसको। टेट्राहेड्रल ऐसा ही बनता है। अब हम सबको ज्वाइंट कर रहे हैं कैसे, ध्यान से देखें, ये वाला ज्वाइंट हो गया इससे, ठीक है, ये ज्वाइंट हो जाएगा आपका, ठीक है, ये ज्वाइंट हो जाएगा इससे, ठीक, ये ज्वाइंट हो जाएगा इससे, ठीक है, ये ज्वाइंट हो जाएगा डायगोनली इससे, ठीक है। अब कौन बच गया, हाँ ये वाला ज्वाइंट हो जाएगा इससे, ये पीछे से आके चला जाएगा। तो ये आप देखेंगे एक टेट्राहेड्रल जो है, अच्छा ये वाला इससे भी जाएगा, ये ऐसे, ये पूरा का पूरा एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनता हुआ नजर आता है। जैसे ये हम लोग कार्बन का देखते हैं ना, टेट्राहेड्रल ये इस तरीके से, जो ये इस तरीके से बनता है, ठीक है। तो वो हम लोग किस में देख रहे हैं, एक क्यूब के अंदर देख रहे हैं, ठीक है, क्यूब के अंदर में किस तरीके देखेंगे, ये स्ट्रक्चर शेप जो है इस क्यूब के अंदर में नजर आ रहा है, ठीक है, इस तरीके से। और यदि हम एक बीच से लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दें, ठीक है, अब समझेंगे ऐसा क्यों कर रहे हैं। और ये भी अपने को पता है कि हर एक का एंगल, यहाँ पे देखेंगे एंगल हम कितना दिए हैं, एंगल कितना दिए हैं, 109 डिग्री 28 मिनट, हर एक का एंगल कितना है, 109 डिग्री 28 मिनट पे है सारा का सारा बॉन्ड, ठीक है, यानी कि ये वाला से लेकर के ये वाला, ये वाला से लेकर के ये वाला, ठीक है, 109 डिग्री 28 मिनट, क्लियर। अब चीज को समझना है, यदि हम एक सिंपल सीधा लाइन ले रहे हैं, ठीक है, और ये बॉन्ड है और ये भी बॉन्ड, और दोनों के बीच का जो एंगल है वो कितना हम बोले, 109 डिग्री 28 मिनट, बीच से एक लाइन हम खींच देते हैं, बीच से एक लाइन खींच देते हैं, तो इधर का एंगल कितना हो जाएगा, 55 डिग्री, जाहिर सी बात अप्रोक्स कितना हो जाएगा, 55 डिग्री। अब मान लेते हैं, ठीक है, अब हम बात करते हैं एक्स ऑर्बिटल्स, किसकी बात करते हैं, ऑर्बिटल्स की। तो ऑर्बिटल जो है, ठीक है, अपना डी ऑर्बिटल जो है वो कैसा है, एक तो नॉन एक्सियल है जिसको हम लोग P2G कहते हैं, और एक कौन सा आपका एक्सियल है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ईजी कहते हैं। तो कितना डिग्री का एंगल बन रहा है वो, 55 डिग्री का, ठीक, क्लियर है। किसके किसके बीच का, एकदम दोनों के बीच का एंगल है 109 डिग्री 28 मिनट, लेकिन यदि हम बीच से लाइन कर रहे हैं तो कितना प्यारा, 55 डिग्री, ठीक है। अब एक्सिस, अब ये मान ले रहे हैं ये अपना एक एक्सिस है और ये दूसरा एक्सिस, ठीक है, ये क्या है, ये आपका नॉन एक्सियल है, यानी कि जस्ट बीच में, ठीक है।
और इसका एक्सपेरिमेंटल जो डिग्री है ना, यदि हम यहाँ बीच से लाइन खींचते हैं, यहाँ बीच से हम लाइन खींचते हैं, तो यहाँ से ही और इस ऑर्बिटल के बीच का जो एंगल आता है वो 35 डिग्री बनता है। कितना बनता है? 35 डिग्री। और ये एक्सपेरिमेंटल हम फैक्ट्स बता रहे हैं सारा, ठीक। और ये वाला जो एक्सियल है, ठीक है, जो एक्सियल पे जो एक्सिस है, ठीक है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, तो ये वाला लोब जो ऑर्बिटल है इसके बीच से यदि हम डालते हैं ऐसा, ठीक है, एकदम बीचों बीच लाइन खींचते हैं, तो यहाँ पे कितना बनता है? 35 का। यहाँ पे कितना बनता है? 55 का डिग्री बनता है। कितना डिग्री बनता है? 55 डिग्री का। तो आपको क्या समझ में आएगा कि टेट्राहेड्रल में यदि हम बात करें तो टी टू जी क्लोजर आ रहा है या फिर इजी क्लोजर आ रहा है? यदि लिगेंड इधर से आ रहा है, ये हम लिगेंड इधर से हम भेज रहे हैं, लिगेंड इधर से भेज रहे हैं, लिगेंड यहाँ से भेज रहे हैं, तो लिगेंड यदि यहाँ से आ रहा है, क्योंकि लिगेंड एक्सियल तो आ नहीं रहा, लिगेंड एक्सिस पे आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। एक्सिस पे आता तो 90 डिग्री पे होना चाहिए था ना एंगल, लेकिन कितना आ रहा है? 109 डिग्री 28 मिनट, यानी कि वो एक्सिस पे नहीं है, एक्सिस से हटा हुआ। तो यदि हम मान लेते हैं इधर से आ रहा है, तो इधर से लोब कितना दूरी पे है भाई? 35 डिग्री पे है, यानी कि हम बीचों बीच भी भेजते हैं तो मात्र 35 डिग्री पे अपने को लोब मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कितने डिग्री पे मिल रहा है? एक्सियल में कितने डिग्री पे मिल रहा है? 55 डिग्री पे। यानी कि ये समझ में आ रहा है कि टेट्राहेड्रल में जो टी टू जी ऑर्बिटल्स होते हैं वो काफी क्लोजर हैं देन ईजी ऑर्बिटल से, ठीक है। देन टी टू जी ऑर्बिटल्स विल फील मोर रिपल्सन, तो टी टू जी जो रहेगा वो ज्यादा से ज्यादा रिपल्सन फील करेगा, जिसके कारण हाई एनर्जी में कौन जाना चाहेगा, कौन चला जाएगा ऊपर की ओर? टी टू जी वाला ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था, चीज को समझना था टेट्राहेड्रल वाला। अच्छा, जरा सा और यदि हम इसके बारे में आपको थोड़ा सा बात बताएं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। क्या बात बताना है हमको कि यहाँ पे जो ऑक्टाहेड्रल होता है ना, ऑक्टाहेड्रल यदि हम बात करें, ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना है, ये स्क्वायर प्लेनर हो गया और ये टेट्राहेड्रल हो गया, तो ये इसमें क्या हो जाएगा? ये हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? टेट्राहेड्रल के बारे में बात कर रहे हैं। टेट्राहेड्रल में ऊपर कौन जाएगा? टी टू जी फील मोर रिपल्सन, और इजी कहाँ रहेगा? नीचे आपका रहेगा। पूरा फिर से एक बार रिविजन करवाते हैं, ऑक्टाहेड्रल में ऊपर कौन जाएगा? आपका इजी, ठीक है, नीचे कौन रहेगा? टी टू जी। स्क्वायर प्लेनर में क्या होगा? ऊपर कौन जाएगा? इजी, नीचे कौन रहेगा? टी टू जी, लेकिन इजी फिर से स्प्लिट कर जाएगा और ऊपर कौन चला जाएगा आपका? ऊपर डी एस स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और नीचे डी जेड स्क्वायर, और फिर इधर जो रहेगा वो आपका फिर से जो है वो स्प्लिट कर जाएगा, ठीक है। तो ये सारा कुछ जो है इसमें नजर आएगा। स्क्वायर प्लेनर में दो बार स्प्लिटिंग होता है, ध्यान में रखना है, और बाकी ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल में एक ही बार स्प्लिटिंग होता है, ठीक। अब यहाँ पे यदि हम बात करें और इसको क्या कहेंगे? डेल टी कहेंगे, ठीक है। जैसे हम लोग तीन चीज पढ़ ली, एक तो क्या है डेल ओ, एक क्या पढ़े डेल एस टी, और एक क्या है डेल ओ डेल टी। अब इसमें सबसे ज्यादा स्प्लिटिंग होगा उसका क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी क्या होगा? उतना ही उसका ज्यादा होगा। तो एक चीज ध्यान में रखना है, ये भी चीज सारा एक्सपेरिमेंटल ही है, जो डेटा आता है वो हम आपको बता रहे हैं कि डेल एस पी इज इक्वल टू 1.3 टाइम्स ऑफ डेल्टा ओ। ध्यान में रखना, स्क्वायर प्लेनर का जो स्प्लिटिंग फील्ड जो एनर्जी होता है वो कितना होता है? 1.3 टाइम्स ऑफ ऑक्टाहेड्रल वाला, और टेट्राहेड्रल जो होता है उसका जो होता है वो 4/9 टाइम्स ऑफ डेल्टा ओ होता है। ये चीज एकदम ध्यान में रखना है, 4/9 किसका रहेगा? टेट्राहेड्रल का 4/9 टाइम्स ऑफ ऑक्टाहेड्रल, और स्क्वायर प्लेनर का क्या होता है? 1.3 टाइम ऑफ ऑक्टाहेड्रल होता है, ठीक है। अब यहाँ से हम ये तो थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दिए हैं ऐसा कैसे हो सकता है, क्या हो सकता है, लेकिन आप याद रखिए वही आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा, ठीक। अब हम बात करेंगे फैक्टर्स, ठीक है, कौन कौन सा फैक्टर जो है वो अफेक्ट करता है, फैक्टर अफेक्टिंग क्रिस्टल फील्ड एनर्जी, ठीक है। फैक्टर्स अफेक्टिंग क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, ठीक है। तो सबसे पहला आता है आपका ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल आयन, ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल आयन, यानी कि चार्ज। कहता है कि जितना ज्यादा हाइयर चार्ज होगा मेटल पर,
उतना ही ज्यादा क्रिस्टल फील्ड एनर्जी होगा, उतना ही ज्यादा क्या होगा, क्रिस्टल फील्ड एनर्जी होगा। ध्यान में रहेगा जितना ज्यादा मेटल पे चार्ज रहेगा, क्योंकि मेटल पे चार्ज होने का क्या मतलब है, तो उसका क्या बढ़ा देता है, वो इंक्रीज कर देता है जेड इफेक्टिव, और जेड इफेक्टिव इंक्रीज होगा फटाक से वो काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली हम देखेंगे, जैसे ये दो एग्जाम्पल दिए हुए यहाँ पे, ठीक है, समझने के लिए दो एग्जाम्पल, एफ ई सी एन का होल सिक्स माइनस फोर, और ये क्या है एफ ई सी एन का होल सिक्स माइनस थ्री। तो यहाँ पे एफ ई का चार्ज क्या होगा प्लस टू, और यहाँ पे एफ ई का चार्ज क्या होगा प्लस थ्री। जितना ज्यादा चार्ज होगा मेटल आयन का, उतना ही ज्यादा सी एफ एस होगा, यानी कि यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा बी ग्रेटर देन ए। दूसरा क्या बोलता है, कौन सा फैक्टर और इफेक्ट करेगा, तो नेचर ऑफ मेटल आयन, नेचर ऑफ मेटल आयन, मेटल आयन का नेचर जो है वो उस पर डिपेंड करता है। जैसे कि मेटल आयन जो है वो जनरली किसके रहेंगे, 3D के, 4D के, 5D के, क्योंकि डी ऑर्बिट डी ब्लॉक के एलिमेंट से क्या बनाते हैं आपके, यस डी ब्लॉक के एलिमेंट से बनाता है क्या, कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है। तो 3D, 4D और 5D के ही हम मान के चलते हैं नेचर। तो 3D से 4D जाने में ध्यान में रखेंगे, 3D से 4D यदि जा रहा है, ठीक है, 3D से क्या जा रहा है यदि 4D, तो 30-50% का इंक्रीमेंट हो जाता है। ठीक है, 30-50% का आपका किस चीज का इंक्रीमेंट हो जाता है, जेड इफेक्टिव का। ठीक है, नेचर ऑफ यानी कि एक तरह से कहें तो मेटालिक कैरेक्टर। ठीक है, हम लोग पहले भी पढ़े हैं कि मेटालिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप क्या होता है, पड़ता है। तो यहाँ पे क्या बोले कि 3D से 4D जाता है कितना पड़ जाता है, 30-50%, और फिर 4D से 5D जाता है तो फिर से 30-50% इंक्रीज कर जाता है। तो यदि यहाँ पे हम कुछ मेटल्स के साथ ले लें एग्जाम्पल, जैसे कि निकेल, पैलेडियम और प्लेटिनम, तो सब सब जस्ट ऊपर एक दूसरे के नीचे ही आते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे लिगेंड सेम है, लिगेंड में कोई चेंज नहीं, चार्ज में भी कोई चेंज नहीं, लेकिन हम यही बोले कि डाउन द ग्रुप यदि हम जो जा रहे हैं, ये 5D में PT, 4D में आपका कौन आएगा PD, और 3D में कौन आएगा निकल, तो सबसे ज्यादा जो आएगा आपका मेटालिक कैरेक्टर, इसका नेचर ऑफ मेटल आयन के कारण जो है सबसे ज्यादा अभी ये किस में आ जाएगा, CFSE प्लस PT। ध्यान में रखेंगे 3D में Ni, उसके बाद PD, और उसके बाद क्या होता है PT। अगला जो है वो ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स है, तो ध्यान में रखना है ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स, अभी हम वही बताने वाले। यहाँ पे जैसे हम पहले बताएं क्या कि डेल्टा एस पी मतलब कि रिसर्व फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ऑफ स्क्वायर प्लेनर, वो क्या होता है 1.3 टाइम्स ऑफ डेलो, और टेट्राहेड्रल क्या होता है 4/9 टाइम्स ऑफ डेल ओ। इसका मतलब क्या है कि सबसे खतरनाक और सबसे ज्यादा स्प्लिटिंग किसमें हो रहा है, डेल एस पी में, देन उसके बाद डेल ओ में, देन उसके बाद डेल टी में। तो ये भी ध्यान में रखेंगे ज्योमेट्री के आधार पे कि सबसे ज्यादा आपका किसमें रहेगा, एस पी में, देन उसके बाद ओ में, टाइटल, देन उसके बाद टेट्राहेड्रल में। ये एकदम इम्पॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना एकदम मस्ट है। ठीक, और थोड़ा आते हैं अगला पॉइंट, क्या बताता है नेचर ऑफ लिगेंड के बारे में। ठीक है, किसके बारे में बताता है, नेचर ऑफ लिगेंड के बारे में। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, जाहिर सी बात है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्रिएट मोर CFSE, और वीक फील्ड WFL जो है वो आपका क्रिएट करेगा लेस CFSE। ठीक है, तो यहाँ पे हम एग्जांपल ले रहे हैं, चार्ज भी दोनों का सेम है। ठीक है, यहाँ पे F है F6 यानी कि WFL, और CN है SFL, जाहिर सी बात है आंसर कौन होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड वाला। ठीक है, उसके बाद स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो है वो हम बताते हैं, उससे पहले हम ये भी बताए हैं कान, नाक और हाथ, याद है कान, नाक और हाथ। कान का मतलब C फॉर कार्बन डोनर, N फॉर नाइट्रोजन डोनर, O फॉर ऑक्सीजन डोनर, और H फॉर हेलोजन डोनर, ये। और C और N जो है वो आपका SFL में आता है, दैट इज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, और O और H हेलोजन जो है वो आपका WFL में आता है। और ये भी पता है कि ऐसा क्यों, रटना नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन और हेलोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है, तो अपना इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके रखना चाहता है, इसलिए वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड में पार्टिसिपेट आसानी से नहीं करता है, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड वीक फील्ड लिगेंड। और जो कार्बन डोनर और नाइट्रोजन डोनर जो होता है वो एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन और हेलोजन लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव होते हैं, तो वो क्या करते हैं अपना इलेक्ट्रॉन को आसानी से डोनेट कर देते हैं और कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। ठीक है, आसानी से ये बनाता है, तो सिंपल है। अब उसी से रिलेटेड जो छोटे छोटे ग्रुप हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, वो सजा करके दिया हुआ है उनके स्ट्रेंथ के अनुसार, तो इसका हम याद करने का तरीका भी बताएं। ठीक है, कैसे कैसे इसको याद करें, तो आप आई थिंक आपको याद होगा, तो उसको अब ये करते हुए आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, तो ये क्या है आपका अप टू वाटर, ये भी ध्यान रखना उस सीरीज में, अप टू वाटर जो है वो सारा क्या है WFL, और वाटर के बाद सब क्या हो जाएगा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। ठीक है,
और पहले ही बताएं ऑक्सीजन और हेलोजन डोनर क्या रहेगा, वीक फिल लिगेंड, और कार्बन और नाइट्रोजन डोनर क्या रहेगा, स्ट्रॉन्ग फिल लिगेंड होता है। तो यहाँ पूरा का पूरा सीएफएससी यानी कि जितना थ्योरी था वो हम पूरा समाप्त कर चुके हैं, ठीक है। और इसमें कोई भी डाउट रहे तो जरूर पूछें कि डाउट क्या है, ठीक है। पूरा का पूरा जो है हम संपला कर दिए आज अपना क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी समाप्त, जितना था जितना था जितना जरूरी था जितना आईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से था सारा का सारा हम दे चुके हैं, इसी में से सब कुछ रहेगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट एक भी छोड़ा हुआ नहीं है, कोई भी मिसिंग नहीं है। मॉड्यूल को उठाइए, मॉड्यूल बनाइए, एक भी कॉन्सेप्ट आपको छूटा हुआ नहीं मिलेगा, और सारा का सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट भी होगा, बनेगा भी सही बनेगा, लेकिन बशर्ते आप सारे लेक्चर को अच्छे से देख रहे हैं, सुन रहे हैं और उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं तब। आगे जो है आगे हम लोग देखेंगे क्या आइसोमेरिज्म के बारे में, आगे क्या है आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़ना है, ठीक है। और उसके बाद अपना जो है यूजेज जो है एप्लीकेशन कॉम्प्लेक्स का एप्लीकेशन जो है वो देखना है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। और ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड उसके बारे में भी थोड़ा सा इसमें देखना है आपको, ठीक है। तो अभी अब तो टाइम अपना जो है वो ख़त्म होगा, अकॉर्डिंग टू जूम जो है ये ऑफ हो जाएगा, तो अभी हम इसको खुद से ही कट करते हैं, मीटिंग ये करते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर हम आपको लिंक भेजते हैं, ठीक है, 5 मिनट बाद, ठीक। तो अभी ब्रेक ले लीजिए 5 मिनट का, फिर अगेन हम लोग लाइव आते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। और यहाँ तक में कोई डाउट है क्या, यहाँ तक में कोई डाउट है? नो सर। ओके नो सर। नो सर। ठीक।